एबल्टन लाइव को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ब्राउजर में जाएंगे और टाइप करेंगे एबल्टन लाइव डाउनलोड या फिर एबल्टन लाइव 10 डाउनलोड। यहां पर आपको पहला ही लिंक मिलेगा जिसमें 30 डेज का ट्रायल फ्री लिखा हुआ है। यहां पर आप लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, पर उससे पहले हम नीचे आएंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पीसी या मैक के लिए वो हम उस पर एक नज़र मार लेते हैं। क्योंकि मैं पीसी पर इंस्टॉल करूंगा तो मैंने पीसी यहां पर सेलेक्ट किया हुआ है। और अब इसके रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 सिर्फ 64-bit वर्जन के लिए ही जो है अवेलेबल है। 4GB मिनिमम रैम आपको चाहिए और यहाँ पर कम से कम आपके हार्ड ड्राइव पर 3GB मिनिमम स्पेस होना चाहिए। बाकी के रिक्वायरमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट आप उनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद हम डाउनलोड सेक्शन में आएंगे यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 64-bit का ही वर्जन अवेलेबल है पीसी और मैक दोनों के लिए। तो हम विंडोज़ के लिए यहाँ से सेलेक्ट करके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो हम जहाँ पर आपने डाउनलोड किया है उस डायरेक्टरी में जाएंगे और इसको करेंगे इंस्टॉल, नेक्स्ट, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट, और जो डिफॉल्ट लोकेशन है सी ड्राइव उसमें हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। नाउ इसको इंस्टॉल होने में तकरीबन 9 से 10 मिनट लगते हैं, मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में प्ले किया है। इंस्टॉल होने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे लॉन्च या फिर फिनिश और ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। नाउ जो पहला लिंक है वो है उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी इसका लाइसेंस परचेज किया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप एबल्टन की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होंगे जहाँ से आप लॉगिन करके अपने लाइसेंस डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर जिससे कि आपको 30 डेज का जो फ्री ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। तो ऑथराइज लेटर पर क्लिक करेंगे। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सारे मेन्यूज़ मुझे क्लियर दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ मिसिंग है, अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको दोबारा से उसको इंस्टॉल करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ पर हमने देखा कि इसके सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इसको इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे इसके फीचर्स की तरफ।